हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक थ्री चैनल एलईडी चेजर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक थ्री चैनल एलईडी चेजर सर्किट है। फ्रेंड्स, देखिए ये दो तार है इस सर्किट का, पावर सप्लाई का दो तार। दोस्तों, ये सर्किट 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट के साथ मैंने तीन एलईडी चैनल कनेक्ट किया है। फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट चैनल, यह है सेकेंड चैनल और यह है थर्ड चैनल। और दोस्तों देखिए, हर एक चैनल में मैंने 5 एलईडी बल्ब लगाया है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा एलईडी भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस थ्री चैनल एलईडी चेजर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट के ऊपर की तरफ ये जो सारे पॉइंट्स है, अब हमें ये सारे पॉइंट्स को एक तार के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, ये एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लाइन हो गया इस सर्किट का नेगेटिव लाइन। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट के नीचे की तरफ ये जो सारे पॉइंट्स है, अब हमें ये सारे पॉइंट्स को भी और एक तार के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लाइन हो गया इस सर्किट का पॉजिटिव लाइन। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा तीन पीस BC547 ट्रांजिस्टर। दोस्तों देखिए, ये है इसका एमिटर पॉइंट, ये है इसका बेस पॉइंट और ये है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये तीन ट्रांजिस्टर सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए, ये तीनों ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है, ये है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये तीनों ट्रांजिस्टर का जो तीन एमिटर पॉइंट है, ये तीन एमिटर पॉइंट हमें एक साथ नेगेटिव लाइन के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद तीनों ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट और कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 10K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 10K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए,
अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए, कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है यह है इस साइड में, और जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और 1K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट और 10K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 100UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए, कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है यह है इस साइड में, और जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और 1K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट और 10K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 100UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए, कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है यह है ऊपर की तरफ, और जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और 1K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस तार को कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट और 10K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें एक तार को सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें एक तार को सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट, 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और 100UF कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट, 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और 100UF कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें तीसरा तार सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट, 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और 100UF कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ।
और फ्रेंड्स देखिए ये जो तार है ये तार जाएगा फर्स्ट चैनल के पॉजिटिव पॉइंट में, ये तार जाएगा सेकंड चैनल के पॉजिटिव पॉइंट में और ये तार जाएगा थर्ड चैनल के पॉजिटिव पॉइंट में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 15 पीस एलईडी बल्ब। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहां पर 5 रेड कलर का, 5 ग्रीन कलर का और 5 ब्लू कलर का एलईडी बल्ब लिया है, लेकिन दोस्तों आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी कलर का एलईडी आप इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये सारे एलईडी बल्ब सर्किट में ऐसे लगा लेना है। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट चैनल, ये हो गया सेकंड चैनल और ये हो गया थर्ड चैनल। और फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट चैनल में ये जो सारे एलईडी बल्ब मैंने लगाया है ये सारे एलईडी बल्ब मैंने पैरेलल लाइन में कनेक्ट किया है। और दोस्तों देखिए सेकंड चैनल में ये जो सारे एलईडी बल्ब मैंने लगाया है ये सारे एलईडी बल्ब भी मैंने पैरेलल लाइन में कनेक्ट किया है। और दोस्तों थर्ड चैनल में ये जो सारे एलईडी बल्ब मैंने लगाया है ये सारे एलईडी बल्ब भी मैंने पैरेलल लाइन में कनेक्ट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये है फर्स्ट चैनल का पॉजिटिव पॉइंट और ये है इसका नेगेटिव पॉइंट, ये है सेकंड चैनल का पॉजिटिव पॉइंट और ये है इसका नेगेटिव पॉइंट और ये है थर्ड चैनल का पॉजिटिव पॉइंट और ये है इसका नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये तीनों चैनल का जो 3 नेगेटिव पॉइंट है अब हमें ये 3 नेगेटिव पॉइंट एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया फर्स्ट चैनल का पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉइंट हो गया सेकंड चैनल का पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉइंट हो गया थर्ड चैनल का पॉजिटिव पॉइंट और ये पॉइंट हो गया 3 चैनल का कॉमन नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस तार को सोल्डर करना है फर्स्ट चैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ, उसके बाद इस तार को हम लोग सेकंड चैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे, उसके बाद इस तार को हम लोग थर्ड चैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करना है, उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है सर्किट के नेगेटिव लाइन के साथ। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट एडॉप्टर कनेक्ट किया है। तो चलिए अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं। दोस्तों देखिए स्विच ऑन करते ही ये सारे एलईडी फ्लैश करने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक 3 चैनल एलईडी चेजर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।